हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हम दरियावर द्वीप की शहजादी की कहानी सुन रहे हैं। इसके हम दो भाग सुन चुके हैं। अगर आपने वे नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाइए और दरियावर द्वीप की शहजादी के नाम से वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें सुने, उसके बाद आप ये वाला भाग सुने। तो चलिए फिर करते हैं आज की कहानी को शुरू। अच्छा अच्छा लड़कपन छोड़, फिरोजा ने प्यार से झड़कते हुए कहा। शहजादी दरियावर का नाम लेकर तुझे बचपन में धुलारती थी, सो अभी तक याद किए हैं? अरे वह तो किस्सा था, ठठाकर हंसते हुए माँ के गले से लिपटकर खुदादाद ने कहा। तू मुझे अभी बच्चा ही समझती है अम्मी, मैंने पता लगाया है दरियावर द्वीप की शहजादी सचमुच बड़ी खूबसूरत है, मैं तो बस उसी से ब्याह करूँगा और जरूर करूँगा। खुदादाद ने झुककर फिरोजा का दामन चूमा और बाहर जाते हुए बोला, मैं हारान चला अम्मी जान, मैं वहाँ अपना नाम बदलकर फिरोज रख लूँगा, तुम मेरी ओर से बेफिक्र रहना, जल्द ही मैं तुम्हारे लिए दरियावर द्वीप की शहजादी को अपनी बीवी बनाकर ले आऊँगा। इधर दरियावर द्वीप का बादशाह शिकार से लौटा तो उसके साथ एक खूबसूरत औरत और बच्चा देखकर सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह ने तुरंत अपनी बेगम से सलाह करके वजीरों को बुलाया और सारी बात बताते हुए कहा, मैं सोचता हूँ यह खूबसूरत बच्चा ही हमारी शहजादी का सबसे अच्छा जोड़ रहेगा, उम्र में भी हमारी शहजादी के बराबर ही है, जब तक वह बड़ी होगी तब तक यह भी बड़ा होकर राजकाज संभालने लगेगा, आप लोगों की क्या राय है? वजीरों ने राय दी, यह है तो वाकई बड़ा ही खूबसूरत, लेकिन जब तक इसके खानदान का अता पता न हो। खानदान की कोई बात नहीं, आखिर है तो यह भी शहजादा ही, बादशाह ने कहा। मैंने पता लगाया है कि इसके पिता को दुश्मनों ने मारकर उसका राज्य हड़प लिया है, कोई उपाय न देखकर ये लोग जान बचाने के लिए भागे, वह दुष्ट नौकर इनके साथ लग गया जो मौके से फायदा उठाकर इस सुंदर रानी से विवाह करना चाहता था, पर उसे तो मौत के घाट उतारकर मैंने सजा दे दी, आज से इसे शहजादा दरियावर कहा जाए, इन दोनों के लिए एक शानदार महल भी तैयार कर दिया जाए, पर शादी वाली बात अभी मन में ही रखी जाए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जल्दी ही उन लोगों की आशा पर पानी फिर गया। जो जो शहजादा दरियावर बड़ा होता रहा त्यों त्यों लोगों के मन में उसके प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही थी। शहजादे का पालन पोषण बिल्कुल शहजादों की तरह हो रहा था, उसका अलग महल था, सैकड़ों गुलाम और बांदियाँ भी थी, बाग बगीचा था, जिधर भी बादशाह दरियावर निकलता लोग उसका स्वागत करते और अदब से सिर झुकाए थे, पर वह दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था, उसे सिर्फ खुशामद अच्छी लगने लगी थी, वह रात दिन अपने खुशामदी यारों से और दरबारियों से घिरा रहता, वह तरह तरह के जुल्म करता, बिना कसूर लोगों को पकड़कर उन्हें कोड़े लगवाता और उन्हें रोते चिल्लाते देखकर अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाकर हंसता और खुश होता, उसने राजकाज में हाथ बटाना भी छोड़ दिया था, किसी के कुछ कहने सुनने पर डांट देता था, यहां तक कि धीरे धीरे वह बादशाह की भी अनसुनी करने लगा। बादशाह का एहसान मानना तो दूर, वह दरियावर द्वीप का बादशाह बनना अपना हक समझने लगा। काफी दिनों तक तो बादशाह उसे माफ करता रहा और यह कोशिश जारी रखी कि वह सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन जब उसकी हरकत दिनों दिन बढ़ती गई तो हारकर उसने अपने वजीरों को बुलाया और राय लेकर कहा, मैंने सोचा था कि इसके साथ शहजादी की शादी करूंगा, लेकिन यह नालायक निकला, बेगम और शहजादी दरियावर को भी इससे बहुत नफरत हो गई है, अच्छा हुआ कि वह बात अभी तक खोली नहीं गई थी। नूरुद्दीन, तुम शहजादी के लिए फिर किसी नेक शहजादे की तलाश जारी कर दो जो यहीं रहकर राजकाज भी संभाले, हाँ इस आवारा को शाही खजाने से एक कौड़ी भी नहीं दी जाए, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की जाए और आज से इसे शहजादा कहना भी बंद। जब यह बात शहजादे दरियावर ने सुनी तो गुस्से से चिल्ला पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक एक को ठीक कर दूंगा।
शहजादी को अपनी खूबसूरती का जो घमंड है, उसको जल्दी ही इसका मजा चखाऊंगा। लेकिन यह सब होगा कैसे हुजूर? उसके दरबारियों ने कहा। बादशाह तो वही बनेगा जिसके साथ शहजादी की शादी होगी। शहजादी भाड़ में जाए, चीख कर शहजादा बोला। बादशाह मैं बनूंगा और जरूर बनूंगा। जरूर बनेंगे हुजूर, हम भी यही चाहते हैं कि आप ही बादशाह बने। फिर क्या करना चाहिए? सब पास पास बैठकर कोई गहरी चाल सोचने लगे। थोड़ी देर में रास्ता सूझ गया, वे खुश हो उठे। सोच लिया, हुजूर ही बादशाह बनेंगे, एक चापलूस चहक कर बोला। सबकी आंखें उसी दरबारी की ओर लग गई। उस दरबारी ने फुसफुसाते जो बताया, उसे सुनकर सबकी बांछें खिल गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हल इतनी आसानी से निकल आएगा। शहजादे ने तो खुश होकर उसे गले से लगा लिया, बोला, सचमुच तुम बहुत चालाक हो। दरबारी ने चापलूसी की, हुजूर मेरे इनाम की बात मत भूल जाइएगा। शहजादे ने खुशी से झूमते हुए कहा, मेरे बादशाह बनने पर वजीरों में से एक तुम भी होगे। दरबारी ने चापलूसी करते हुए झुककर सलाम किया, बोला, बंदा परवर की मेहरबानी, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। दरबारी ने उठते हुए कहा, बहुत जल्दी हुजूर, कहते हुए वह बाहर चला गया। और उसी रात दरियावर द्वीप की शहजादी अपने राजमहल में गुदगुदे मखमली गद्दे पर मीठी मीठी नींद सो रही थी कि एकाएक हड़बड़ा कर उठ बैठी। आंखें खोलते ही उसने देखा उसकी सहेली फातिमा उसे जोर से झकझोर रही है। शहजादी, शहजादी जल्दी उठिए, भागिए, जान बचानी है तो जल्दी करिए। क्या हुआ? शहजादी चौंक कर उठ बैठी। जान को क्या खतरा आ गया? अब्बा कहाँ हैं? आप मेरे साथ तो चलिए शहजादी, रोते हुए फातिमा शहजादी को खींचने लगी। जल्दी कीजिए, जरा भी देर हुई तो मौत सिर पर आ जाएगी। हुआ क्या जो मौत मौत चिल्ला रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? या खुदा मैं क्या करूं, फातिमा रोते हुए शहजादी को खींचने लगी। वही शहजादा खून में सैनी तलवार लेकर आपको खोज रहा है, मिलते ही कत्ल कर देगा। खुदा के लिए जल्दी करें, भाग चलिए चलिए। शहजादी एक झटके से खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, अब्बा कहाँ हैं? फातिमा जोर से रो पड़ी। बादशाह सलामत और बेगम हुजूर अब नहीं रहे शहजादी, उस कमीने ने उन्हें ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, शहजादी जोर से चिल्ला पड़ी। तू झूठ बोल रही है, महल के सब पहरेदार कहाँ गए? सब उस हरामखोर शहजादे के साथ मिल गए हैं बेटी, वजीर नूरुद्दीन ने एकाएक कमरे में आते हुए रुआंसी आवाज में कहा। उसने तमाम सिपाहियों और दरबारियों को भी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया है। चलो बेटी, पहले जान बचाकर भागो, फिर इससे बदला लेने की सोचेंगे। वजीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से शोरगुल सुनाई पड़ा। शहजादा दरियाबर और उसके आदमी कमरे में घुसे। इसके पहले ही फातिमा शहजादी को लेकर चोर दरवाजे से बाहर हो गई। एक खूबसूरत नौजवान हारान शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसने बड़े कीमती और सुंदर कपड़े पहन रखे थे। कमर में हीरों से जड़ी हुई एक लंबी तलवार लटक रही थी, जिसकी पूरी की पूरी मठ एक बहुत बड़े हीरे को काटकर बनाई गई थी। वह नौजवान दूध जैसे सफ़ेद बहुत सुंदर घोड़े पर सवार था। घोड़े की पीठ पर कसी जीन भी बहुत कीमती थी, उसमें सुनहरे और नीले रंग के मोती जड़े हुए थे। सीधी धूप पड़ने से रह रहकर जवाहरात चमक उठते और आंखें चुंधिया जाती थी। वह शान के साथ अपने घोड़े पर बैठा हारान शहर में घूमता घामता धीरे धीरे शाही महल की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने हारान की शान शौकत और सजावट देखी तो बरबस उसके मुंह से निकल गया, वाह, जैसा सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत शहर है हारान। और हारान में जिसने भी नौजवान को देखा उसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हर जगह चर्चा होने लगी, वाह क्या खूबसूरत जवान है, उसके चेहरे से ही जान पड़ता है कि यह जितना खूबसूरत है उतना ही अकलमंद और बहादुर भी होगा, किसी देश का शहजादा ही लगता है। भाई शहजादे तो हमारे हारान में भी हैं, लेकिन 49 शहजादे एक साथ मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और तो और खुद बादशाह भी नौजवान को देखकर हैरान रह गया। उसे पहली नज़र में ही यकीन हो गया कि यह जरूर
किसी देश का शहजादा होगा और यहाँ घूमने के लिए आया होगा। नौजवान ने बड़ी चतुराई से अपना असली परिचय छिपा लिया। बोला, हुजूर मेरा नाम फिरोज है और मैं काहिरा के एक अमीर का बेटा हूँ। अच्छा, बादशाह ने फिरोज को प्यार से देखते हुए कहा, तो तुम शायद देशों की सैर करने के लिए निकले हो। फिरोज ने फिर से झुककर अदब के साथ सलाम किया। बोला, हुजूर मैं महलों में रहते रहते ऊब चुका हूँ। मैंने तरह तरह के हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीखे हैं। अब मैं बहादुरी के काम करके नाम कमाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपनी सेना में कोई नौकरी दे सकें तो जरूर जरूर। बादशाह खुश हो गया। बोला, बात करने के लहजे से ही तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी का सबूत मिल रहा है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और अपनी फौज में रिसालेदार का ओहदा देता हूँ। लेकिन फिरोज से बादशाह जितना ही खुश था, उसके शहजादे उतने ही नाराज हुए। वे फिरोज को देखकर जल भुन गए। पर फिरोज ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम से काम रखता था। कठिन से कठिन काम भी अपने जिम्मे लेने से वह कभी नहीं घबराता था। बादशाह के साथ साथ तमाम वजीर और दरबारी भी फिरोज की बहुत इज्जत करते थे और उसकी हर बात बड़े गौर से सुनते थे। फौज में छोटे छोटे सिपाही से लेकर सिपहसालार तक उसकी बहादुरी की कद्र करते थे और उसकी हर बात मानने में अपनी भलाई समझते थे। बादशाह के उन 400 शहजादे कहाँ तो पहले एक दूसरे को फूटी आँख नहीं देखते थे और तख्त व ताज पाने के लिए दरबारियों और फौजदारों को अपनी अपनी ओर मिलाने की तरकीब करते रहते थे। और कहाँ, अब फिरोज के आ जाने से सारा नक्शा बदल गया। कोई भी बात होती सब फिरोज के ऊपर डाल दिया जाता। जो वह कहेंगे वही ठीक होगा। एक दिन सब शहजादे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। एक शहजादे ने कहा, अब्बा ने फिरोज को बहुत सिर चढ़ा लिया है। वह उसे प्यार भी बहुत करते हैं। वह हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की तरह है। एक शहजादे ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं वह अब्बा को धोखा देकर तख्त ही न हथियार ले बैठे। इसमें शक ही क्या है, एक दूसरे शहजादे ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने तो वजीरों और दरबारियों से लेकर सिपाहियों तक को अपनी ओर मिला रखा है। अगर कोई बात होती है तो सब उसी का साथ देंगे। शहजादे रुआंसे होकर बोले,